आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। राजनामा टीवी के प्रधान संपादक श्री सुभाष सिंह जी की बहन, रांची बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सिंह द्वारा छठ पूजन किया गया, जिसमें उनके पुत्र परितोष सिंह और अंकित सिंह ने भी पूरी भक्ति भाव से ये त्योहार मनाया शेल सिटी में। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को प्रत्येक भारतवासी डूबते हुए सूरज को अर्घ देता है और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूरज को अर्घ देता है। भारत की नस नस में बसा ये त्योहार छठ पूजा कहलाता है। दुनिया भर के भारतवासी इस त्योहार को मनाते हैं। पुराणों में माँ कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर से हुई। छठ के इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाय से होती है और दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अर्ध और चौथा दिन पारण दिया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन व्रती महिलाएं छठ का व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं शाम को किसी नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है। ये अर्घ पानी में दूध डालकर दिया जाता है। सूर्य अस्त के समय व्रती महिला के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहते हैं। साथ ही इस दिन बांस से बनी टोकरी, जिसे लोक भाषा में सूप कहा जाता है, उसमें फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल, फूल, चावल के लड्डू, मूली, कंदमूल आदि रखकर पूजा की जाती है। छठ पूजा के दिन व्रती के साथ घर के अन्य लोग भी सूर्य देव को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी के किनारे छठ घाट जाते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं गीत भी गाती है। इसके बाद व्रती महिलाएं सूर्य देव की ओर मुख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करती है। अर्घ देते समय सूर्य देव को दूध और जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। घाट से लौटने के बाद रात्रि में छठ माता के गीत गाते हैं और घर में भी उसकी पूजा करते हैं। हो जाए घरे उजिया
जाए घर उजिया छठिया मैया सुन ले रजिया माँ। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।